हेलो गाइस, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। दिस इज योर मेंटर एजुकेटर मिसेस जोशिका शर्मा चौधरी। और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज माल न्यूट्रिशन, जो कि हमारा पेपर 2 पार्ट बी के यूनिट 5 के अंदर आता है। तो उसको कवर करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक रक्षा एकेडमी की ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं की है, तो जाइए प्ले स्टोर में, वहां से जाके रक्षा एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहां पर अभी ऑलरेडी 250 प्लस वीडियोस हैं फॉर प्रीलिम्स, एंड मेंस के लेक्चर्स भी वहां पर अपलोड होते जा रहे हैं, एंड 110 प्लस वहां पर टेक्स्ट अवेलेबल है आप सभी के लिए। तो जितने भी लोग हैं, अगर वो वहां पर इन सब चीज़ों को अवेल करना चाहते हैं, तो वहां पर अगर आप चैट बॉक्स में मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं, दैट इज आर ए जोशिका, तो आपको डायरेक्टली 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा ऑन द प्राइस। डायरेक्टली आपके 500 रुपीज जो है डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये आपके लिए ऑफर है, जिसमें प्रोमो कोड को आपको यूज करना है आर ए जोशिका, और अपनी प्राइस में 500 रुपीज का डिडक्शन आप पा सकते हैं मेरे प्रोमो कोड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डे, दैट इज स्टार्ट विथ अ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन का टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग आर इंडिया। अगर आप लोग देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर आप लोग देखते हैं, मेनली जो हमारे यहाँ पर क्रॉप्स और जो फूड ग्रेन्स जो हैं ग्रोन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन्स हमारी कंट्री में, तो हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशंस है लोकल एरिया में, दैट शुड बी अ प्रमोटेड, दैट कैन बी प्रमोटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड डीन दयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है उन्होंने एक पोषण एटलस डेवलप की अंडर द पोषण अभियान। गवर्नमेंट ने पोषण अभियान एक चालू हुआ था रिगार्डिंग दिस माल न्यूट्रिशन फैक्ट, तो वहां पर एक पोषण एटलस को डेवलप करा गया, जो कि एक गवर्नमेंट का मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस मिशन है, जहाँ पर उनका एक विजन है दैट टू अटेन अ माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022। तो ये उनके मिशन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने एक मिशन सेटअप किया पोषण अभियान के अंदर, वहां पर उनको मल्टी न्यूट्रिशन फ्री इंडिया चाहिए बाय 2022, ये उन्होंने एक विजन देखा हुआ है। अगर वर्ल्ड बैंक की आप अगर रिपोर्ट देखते हो, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 में, तो माल न्यूट्रिशन का जो कॉस्ट जो इंडिया में है, दैट इज एटलीस्ट $10 billion annually in terms of a loss of productivity, illness, death, और सीरियसली जो प्रॉब्लम्स होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। और यहाँ पर काफी ज्यादा रिडक्शन हो रहा है रिगार्डिंग द चाइल्डहुड मोर्टेलिटी। तो पोषण अभियान जो है डायरेक्टली फोकस कर रहा है टू इंश्योर कर रहा है न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रेन, वुमन एंड प्रेगनेंट मदर, जो कि जहाँ पर मतलब उन पर ज़्यादा फोकस करके यहाँ पे काम करने के लिए वो काम कर रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पर जो क्वेश्चन एक हमारे दिमाग में आता है, दैट व्हाट डू वी मीन बाय अ टर्म माल न्यूट्रिशन। तो इसके रिगार्डिंग आपके मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट के रिगार्डिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन अगर आप समझ सकते हैं, तो अगर किसी भी चीज की हमारे यहाँ हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए या फिर एक्सेस हो जाए या फिर किसी भी पर्टिकुलर विटामिन या फिर किसी भी चीज का इनबैलेंस हो जाए पर्सन के बॉडी के अंदर ड्यू टू इनटेक ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, दैट टर्म इज नोन एज माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन को ब्रॉडली हम जो क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप की कंडीशन में करते हैं। पहला होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब जहां पर अगर आपकी कह सकते हैं कि आपका जो स्टंटिंग मतलब यहां पर है कि एज आपकी बढ़ गई है बट आपकी हाइट उतनी नहीं है, दैट इज नोन एज स्टंटिंग, जो कि अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आता है। मतलब आपके कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिशन आपने लेने में कोई ना कोई छूट गया है। वेस्टिंग इज लो हाइट लो वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट बड़ी हो गई है बट वेट उतना नहीं है, मतलब आप सूखड़े एकदम खड़े हो गए हैं लाइक मतलब एक पिलर की तरह, ठीक है। अगर घरों में बोलते हैं ना कि हैंगर हो गए हो, एकदम सूखड़े हो गए हो लाइक दैट, मतलब आप लंबे हो गए हो लेकिन आपका वेट नहीं है, लो वेट है, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर वेट की बात करें, अंडर वेट इज दैट कैटेगरी जहां पर आपकी एज के अनुसार आपका वेट कम है। मतलब इसे देखा जाता है कि अगर बच्चे छोटे बच्चे भी हैं, अगर वो 10 ईयर्स के हैं तो उनका अप्रोक्सीमेटली जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है, तो वो जो कैटेगरी कहलाई जाती है अंडर वेट कहलाएगी। देन थर्ड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी, दैट इज अ लैक ऑफ सम मिनरल्स, दैट विटामिन या फिर मिनरल्स की लाइक विटामिन डी की काफी लोगों की बॉडी में कमी जाती है, फिर कैल्शियम की कमी, that is known as micronutrient deficiencies।
अभी यहाँ पर इस एक आपका अंडर न्यूट्रिशन हो गया, एक हो जाएगा ओवर वेट, मतलब आपकी एज के अनुसार आपका जो वेट है वो काफी ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्सेसिटी, या फिर डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो जाती है लाइक हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, डायबिटीज हो जाती है, कैंसर, ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है, दैट इज कम्स ऑल अंडर द टाइप्स ऑफ अ माल न्यूट्रिशन। हमने यहाँ पे माल न्यूट्रिशन देख लिया, उसके दो टाइप देख लिए। तो यहाँ पर अगर आपके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ब्रीफली डिस्क्राइब करिए माल न्यूट्रिशन का, तो आपको वहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ पर उनके दोनों टाइप्स के बारे में लिखना है। नाउ द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के कॉज क्या है। तो ये सबसे बड़ा कॉज दैट इज वॉज मदर्स हेल्थ। तो साइंटिस्ट ने जो इनिशियली 1000 डेज ऑफ द इंडिविजुअल का लाइफ स्पेन देखा, तो उन्होंने वहां पर ये बोला कि वहां पर उनको देखने के बाद टिल ही और शी टर्न्स टू इज अ क्रूशियल फॉर फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो काफी ज्यादा क्या होता है, हाफ ऑफ द जो वुमेन्स है जो चाइल्ड बियरिंग एज में है वो एनिमिक हो जाती है या फिर अंडर नरिश्ड रहती है। तो यहाँ पर जो मदर्स जो माल न्यूट्रिशन रहती है वो ज्यादातर माल नरिश्ड चिल्ड्रंस को बॉर्न करती है, बर्थ देती है उनको। नाउ कम टू द सोशल इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो गर्ल जो चाइल्ड है वो ज्यादातर माल नरिश्ड रहती है देन बॉयज, एंड लो कास्ट चिल्ड्रंस देन अपर कास्ट चिल्ड्रन। मतलब अपर कास्ट चिल्ड्रन है तो आपके नहीं इतने माल न्यूट्रिशन रहेंगे, लेकिन लोअर कास्ट में क्योंकि वहां पर उतना मतलब फैसिलिटीज होता है खाना, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जितनी उनको जरूरत होती है, या फिर गर्ल चाइल्ड के ऊपर काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कई घरों में जैसे बादाम वगैरह देना है तो पहले लड़कों को देते हैं, लड़कियों को थोड़ा छोड़ देते हैं, अब नहीं होता है बट कहीं कहीं जगह पर अभी भी होता है। देन कम टू द पॉइंट दैट नेक्स्ट दैट इज सैनिटेशन। जो ज्यादातर चिल्ड्रंस जो रहते हैं रूरल एरियाज में या फिर स्लम एरियाज में, वहां पर अभी भी सैनिटेशन की बहुत कमी है। तो यहाँ पर उनको इस कमी के कारण काफी ज्यादा क्रोनिक डिसीजेस हो जाती है, जो कि दैट प्रिवेंट्स बॉडीज फ्रॉम मेकिंग गुड यूज ऑफ न्यूट्रिशन इन फूड एंड दे बिकम माल नरिश्ड। अब लैक ऑफ सैनिटेशन या फिर प्रॉपर एक ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, दैट ऑल्सो द रीजन ऑफ हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन परसिस्ट इन आवर इंडिया। नाउ कम टू द लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड फूड। लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड फूड मीन्स मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारी जो इंडिया है डाइवर्स कंट्री, तो यहाँ पर जैसे जैसे विद इंक्रीज इन डाइवर्सिटी इन फूड, तो यहाँ पर इनटेक माल न्यूट्रिशन या फिर अंडर वेट हो रहा है, स्टंट हो रहा है, ये चीजें जो है स्टेटस जो डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पर जो 12% जो चिल्ड्रन है आर लाइकली टू बी स्टंटेड एंड अंडर वेट इन एरियाज वेयर द डाइवर्सिटी इन फूड्स इनटेक इज वेरी हाई। ठीक है, अराउंड 50 चिल्ड्रन जो है आर स्टंटेड है इफ दे कंज्यूम लेस देन 3 फूड आइटम्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी मींस यहाँ पर है डिसमल हेल्थ ऑफ इंडियन वुमन एंड चिल्ड्रन इज प्राइमरली ड्यू टू लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। यहाँ पर क्या है जो कि अपना इंडियन वुमेन्स है या फिर चिल्ड्रंस जो है प्राइमरली जो वो क्या कहलाते हैं कि उनमें डिसमल हेल्थ होती है, क्योंकि वहां पर उनकी रिगार्डिंग क्या है फूड सिक्योरिटी की काफी ज्यादा कमी है। और नियरली जो 1/3 ऑफ जो एडल्ट है हमारी कंट्री के है उनके पास क्या है एक आप कह सकते हो हमारी कंट्री में जिनके पास बॉडी मास जो इंडेक्स है वो रहता है BMI जिसको कहते हैं वो बिलो नॉर्मल रहता है, जस्ट बिकॉज उनके पास उतना फूड खाने के लिए इनफ नहीं है जिनका जितने उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर BMI भी जो है वो नॉर्मल से कम रहता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन दैट इज फेलियर ऑफ गवर्नमेंट अप्रोचेस। अब ये भी एक बहुत बड़ा सिस्टम कह सकते हो रिगार्डिंग दिस माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे नेशनल हेल्थ मिशन आया जो उन्होंने लॉन्च किया गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल, बट उनको जितने उनका जो एम था जितना उसकी जो रीच उनको फैलानी थी वो इनफ पीपल को नहीं पहुंच पाती है, वो इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जितने लोगों को पहुंचना चाहिए। अब जो डिलीवरी सिस्टम है वो इनएडिक्वेट हो गया, इनएफिशिएंसी होती है, करप्शन हो जाता है बीच बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है अगर डेटा अगर आप देखोगे एनालाइज करके तो 40% जो सब्सिडाइज जो फूड है वो मतलब जितने लोगों पर वो पहुँचना चाहिए था उतने लोगों तक वो नहीं पहुँच पाता है। नाउ अ डिसीज स्प्रेड। अब यहाँ पर चाइल्ड डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा अकर हो रही है ड्यू टू द निमोनिया, डायरिया,
मलेरिया एंड द कॉम्प्लिकेशन एट बर्थ. मतलब इवेंचुअली जो चाइल्ड है वो डिसीज के कारण मतलब उसकी डेथ हो जाती है, बट द डिसीज बिकम्स लिथल बिकॉज जो चाइल्ड है वो माल नरिश्ड है, इसलिए उसकी बॉडी जो है उतना स्ट्रांगली बिहेव नहीं कर पाती रिगार्डिंग द डिसीजेस. नाउ कम टू द पॉवर्टी. पॉवर्टी क्यों फैक्टर है यहाँ पर, देखिए यार गरीबी रहेगी तो उतना उनके पास फूड आइटम्स नहीं रहेंगे जितना उनको चाहिए. और किसी भी फैमिली में अगर गरीबी है तो उनके जो बच्चे हैं वो भी मतलब उतना फूड ग्रेन नहीं कर पाएंगे जितनी उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. नाउ लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज यहाँ पर क्या होगा, जो कि आप कह सकते हो कि अगर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब न्यूट्रिशन फूड को चूज करने में मतलब उनको नहीं, आजकल क्या हो गया ट्रेंड क्या चल रहा है, बर्गर पिज्ज़ा खा लो ये खा लो, तो ये भी एक मतलब गुड साइन नहीं है न्यूट्रिशन का. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर इंटरनेशनल स्टडी देखोगे तो दैट द पुअर इन डेवलपिंग कंट्रीज हैड द इनफ मनी टू इंक्रीज देयर फूड अप्रोक्सीमेटली 30%, बट ये जो उनका जो पैसा है वो अल्कोहल पे वेस्ट कर हो जाता है या फिर टोबैको या फिर मतलब आपका कह सकते हो स्मोक या फिर किसी फेस्टिवल्स के रिक्वायरमेंट पे चला जाता है. मतलब उतना तो उतना चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट थी बट वो वेस्ट हो जाता है किसी ना किसी बिहाफ पर. अब इसके रिगार्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स नीड करे, दैट इज आंगनवाड़ी सिस्टम यहाँ पर एक लेकर आई जो कि एक हमारी एमपी का या फिर आप इंडिया का एक बैकबोन न्यूट्रिशन है टारगेट है, जहाँ पर उनको एक वी रियली हैव टू इम्प्रूव दैट वन. अब यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पर भी उनको रिक्वायर है कि उनको वहाँ पे उसकी रिगार्डिंग काम करना चाहिए. फार्मर्स को यहाँ पर इनकरेज करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, डाइवर्सिफिकेशन के रिगार्डिंग, लो कॉस्ट या फिर इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स को हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और जो इरिगेशन वाला जो कवरेज है उसको हमको बढ़ाना चाहिए, सो दैट जो फार्मर्स की जो आसपास जो इनहांस उनकी नॉलेज है रिगार्डिंग द फार्मर्स, तो वहाँ पर उनको इतना आइडिया पड़े कि किस तरीके से कितना अमाउंट उनको वाटर का रिक्वायरमेंट है कितनी क्रॉप में, तो उतना वैसे तरीके से वो काम कर पाए. ठीक है, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर हमको लेकर आना चाहिए. हमको यहाँ पे जो चाइल्ड फीडिंग जो कैपेसिटी है वो भी हमको इम्प्रूव करनी चाहिए एट द क्रिटिकल एजेस, जब उनको व्हेन द सॉलिड फूड्स आर इंट्रोड्यूस टू द डाइट, जब उनकी डाइट में सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे बचपन वाला टाइम जो था ना 2-3 ईयर्स वाला, दैट वॉज द टाइम. स्टोरेज कैपेसिटी जो है रिगार्डिंग द क्रॉप्स और फूड वो भी हमको इम्प्रूव करनी चाहिए, जिससे क्या होगा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो हमारे मतलब उतने नहीं होंगे, तो हमारी जो क्रॉप है वो बच जाएगी. ये सारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं हमारे मेंस के लेक्चर्स में इकोनॉमिक्स में, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है कोर्स जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. अब हमें यहाँ पर किस चीज़ की और रिक्वायरमेंट है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 आया है उसके रिगार्डिंग भी सारे एक्सपेक्ट में सोचने की बहुत रिक्वायरमेंट है. नाउ यहाँ पर जो स्कूल के जो किड्स हैं या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयर रहना चाहिए गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग. हमको यहाँ पर हाइजीन और क्लीननेस पे हमारी सराउंडिंग के काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे जो हमारा फूड है वो हमको क्लीन मिले, तो उसमें कोई न्यूट्रिशन वगैरह या फिर कोई भी ऐसी डिसीज हमको क्रिएट ना हो. मेडिकल सर्विस हमको देनी चाहिए विलेजेस के अंदर. नाउ दर इनिशिएटिव जो टेक लिए हमारी गवर्नमेंट ने वो देख लेते हैं, दैट वाज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लेकर आए गवर्नमेंट, जहां पर उनका जो मेन जो मोटिव था दैट वाज था कि प्रोवाइड फूड सप्लीमेंट्स टू द चिल्ड्रन जो कि गरीब हैं या फिर मार्जिनाइज सेक्शंस को, जिससे क्या होगा कि एक गैप जो है बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड द एक्चुअल डाइट के बीच में वो बैलेंस हो पाए. नेक्स्ट वो पॉइंट लेकर आए यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन. ठीक है, यहाँ पर नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम वो लोग लेकर आए, दैट वाज INIDDCP जो कि उन्होंने इनिशिएट किया 1992 में एक गोल के साथ कि सारा जो ह्यूमन जो कंज्यूम कर रहा है आयोडाइज्ड वो एक यूनिवर्सल हाउस होल्ड में एक आयोडाइज सॉल्ट का यूज हो, दैट वाज द प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1992. अब यहाँ पे उसके अलावा जो हमारे जो गवर्नमेंट ने जो टारगेट करे वो थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट वाज नेशनल हेल्थ मिशन, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, मातृवित्ता सहयोग योजना, सबला का फुल फॉर्म मुझे बताएंगे, सबला फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड मिड डे मील, मनरेगा, ये सारे प्रोग्राम्स. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में अगर बात करें तो
एनएनएम जो है एक सेंट्रल नोडल एजेंसी ने यहाँ पर ये सेंट्रल नोडल एजेंसी के थ्रू ये इनिशिएट हुआ है, जहाँ पर स्टेट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोऑर्डिनेट करेंगी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान देते हुए सारी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट के एक फेज के अनुसार, एक फेज वन फेज टू के अनुसार यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, कवर करेंगे ये लोग डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट्स को। यहाँ पर इसका जो मिशन था दैट वॉज मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पर मतलब उनको न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग उन्होंने एक मिशन इन्होंने लेकर चला है, जहां पर जो 10 करोड़ जो पीपल्स हैं, 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ से ज्यादा जो पीपल हैं, वो इन सब चीजों से बेनिफिट ले पाए। नाउ द पोषण अभियान, जो कि पोषण अभियान के अगर बारे में बात करते हैं तो दैट इज पीएम्स ओवरआर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट फ्रॉम झुंझुनू इन राजस्थान से स्टार्ट हुआ है। दैट वो पोषण का अभियान का आपको फुल फॉर्म भी मिल गया, नरिशमेंट तक ये जो प्रोग्राम है ये थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर टारगेट अप्रोच के साथ ये लॉन्च होगा। ये मेनली जो फोकस करेगा टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिक या फिर लो बर्थ वेट इन चिल्ड्रन पर ये मेनली फोकस करेगा। देन इट विल फोकस टू एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, दस होलिस्टिकली एड्रेस किसको कर रहा है, डायरेक्टली मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर रहा है। यहाँ पर ये इनका जो एम है, जो ये मकसद लेके चल रहे हैं वो है सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करना बाय द यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। पोषण के एटलेस, अगर यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जब आपको इंट्रो दिया था वहाँ पर हमने देखा था कि पोषण के एटलेस के बारे में, तो यहाँ पर वो क्रॉप और फूड जो ग्रोन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट रीजन, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उनके बारे में एक मैप ये फॉलो करेंगे, जहाँ पर जो ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन प्रोटीन जो रिच फूड है किसी भी एक लोकल एरिया का उसको प्रमोट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल सोयाबीन अगर हमारे यहाँ पर है तो यहाँ पर उसको प्रमोट करेंगे फॉर एग्जांपल। अब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो स्टेप्स लिए दैट वॉज फोर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर 5 स्टेपल्स को, जो कि हमारे FSSAI दैट वॉज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करा, जहाँ पर उन्होंने एक फाइट करी रिगार्डिंग द माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलीज ऑफ फूड कंपोजिशन, टेबल्स के रिगार्डिंग उन्होंने एक टेबल चार्ट बनाया, पूरा सब चीज़ों को देखा, जब उन्होंने एक चार्ट के अनुसार उन्होंने यहाँ पर उस चीज़ को रिलीज किया। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यहाँ पर उन्होंने एम रखते हुए, एक जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जहाँ पर उन्होंने एक अपना एम रखा कि वहाँ पर जो भूख है उसको खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना है, और एक जो एम लेके चलना है दैट वाज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको ये लोग प्रमोट करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन अगर आप देखोगे तो जो हमारा माल न्यूट्रिशन है वो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल इश्यू है। अगर बिफोर 2015 के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर जो कवरेज था वो अप्रोक्सीमेटली 1% था, जब उसके बाद मिशन इंद्रधनुष जब आया 2015 में तो वहाँ पर चाइल्ड वैक्सीन के बारे में जो कवर अचीव करना था उनको बाय द 5% एवरी ईयर, और ये टारगेट जो है ये फुल कवरेज लेना है बाय द ईयर 2020 जो प्रीवियसली वाली बात है। बट अगर आप रिजल्ट देखोगे करेंटली तो करेंट जो रेट है वैक्सीनेशन की दैट वॉज 7% पर ईयर चल रही है। यहाँ पर ये जो माल न्यूट्रिशन है बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट करता है, रिगार्डिंग द पॉवर्टी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग, केयर प्रैक्टिसेस, जेंडर इंबैलेंस, पुअर सैनिटरी, वाले पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो कहता है कि जो एक अंडरवेट जो चिल्ड्रन है वो अब डिक्रीज हो रहे हैं वॉज ओनली 10%, और जो वेस्टिंग इंक्रीज बाय 3%, पहले ये 19.4 था अब 21% हो गया है। गवर्नेंस जो है एक टर्म्ड कैन बी टर्म्ड गुड ओनली अगर वो बैनिश कर दे पूरा हंगर को, स्टार्वेशन को, भूख को ख़त्म कर दे, भूखमरी को ख़त्म कर दे, जो गरीब है उसको भी खाना प्रॉपर मिले, तो ये सारी चीज़ों को जब ये सब चीज़ें कवर कर लेंगे देन द गवर्नेंस कैन बी टर्म्ड एज अ गुड गवर्नेंस। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है दैट वॉज COVID-19 एंड माल न्यूट्रिशन, बिकॉज दिस टाइम is typical for everyone faces a daily base problems, तो यहाँ पर COVID-19 माल न्यूट्रिशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स तो सेम ही सिमिलर है रिगार्डिंग द प्रीवियस वन। तो आप देखोगे जब लॉकडाउन यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो एसेंशियल सर्विसेज थी इंक्लूडिंग मिड डे मील्स, वो भी काफ़ी लोगों की डिस्टर्ब हुई, तो जिससे क्या हुआ
एक आप कह सकते हो कि विच आर नॉट ओनली अ न्यूट्रिशन मेजर टू सप्लीमेंट सम पोर्शन ऑफ अ चिल्ड्रन कैलोरी बट इट इज ऑल्सो अ टूल टू एक्सरसाइज एजुकेशन. तो यहाँ पर एक जो बेसिकली जो ये वाला फैक्टर भी है वो भी काफी ज्यादा मतलब इससे अफेक्टेड हुआ. सेव द चिल्ड्रन अगर आप देखोगे फाउंड दैट ओनली 40% ऑफ द एलिजिबल चिल्ड्रन जो है अभी हैव नॉट रिसीव मिड डे मील, नहीं ले पा रहे ड्यूरिंग द लॉकडाउन बिकॉज इस चीजों में लॉकडाउन में नहीं पॉसिबल है, सिचुएशन भी इतनी क्रिटिकल है. तो माल न्यूट्रिशन और इंडिया के रिस्पेक्टिव में अगर देखोगे तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 आई है जिसमें इंडिया इज अमंग 88 कंट्रीज जहां पर और जो मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स बाय 2025 में बोला 2025 हो गया है. माल नरिश जो चिल्ड्रंस की अगर बात करते हो तो 60 माल न्यूट्रिशन अगर देखो कि 68% है टोटल अंडर 5 डेथ एंड 70% है डिसेबिलिटी जो क्रिएट हो रही है. और FAO की अगर आप देखते हो तो वहां पर बोला गया 194.4 जो मिलियन पीपल्स जो इंडिया में है वो इतने पीपल्स हमारे यहाँ पर अंडर नरिश्ड है which is 14.5% of the total population. अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 19 में आया तो हमारी 117 कंट्रीज में से 102 रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भूख में. तो आप समझ ही सकते हैं हम कितने आगे कितने पीछे हैं. सब लोग बहुत समझदार हैं तो सब लोग समझ सकते हैं. यहाँ पर वेस्टिंग रेट जो है जो हमारी इंडिया में 20.8 है और COVID-19 जो एक कह सकते हो एक इतनी सीरियस प्रॉब्लम है जो चिल्ड्रंस को भी अफेक्ट कर रही है, उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है. और ड्यू टू द COVID-19 इंडिया कुड हैव अराउंड एडिशनल 60,000 चाइल्ड डेथ जिसमें से अराउंड 3 लाख इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इन द नेक्स्ट 6 मंथ. तो ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है टू एवरीवन. अब तो ऐसे अनाउंसमेंट भी हो गया थर्ड वेव वॉज वेरी विल बी द वेरी डेंजरस टू द चिल्ड्रन, ये भी अनाउंसमेंट हुआ है. तो एवरी पेरेंट जो है अब काफ़ी ज़्यादा वरी होने हो रहे हैं, पैनिक मोड में जा रहे हैं क्योंकि जब बात सिर्फ अपने ऊपर होती है तब इतना टेंशन नहीं होता, लेकिन अगर कोई सुन ले कि बच्चों पे बात आ रही है देन द टेंशन विल इंक्रीजेस फार फार मोर. माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन जो हम ऑलरेडी एकदम कवर कर चुके हैं तो हम इनको दोबारा नहीं देखेंगे. अभी यहाँ पर जो स्टेप्स हमने कुछ हमने स्टेप्स ऑलरेडी हमने देख लिए थे बट यहाँ पे जो COVID-19 की सिचुएशन के रिगार्डिंग जो मैंने आपको पॉइंट आपको बताना है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉसिबल सॉल्यूशन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है बहुत ज़्यादा, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रही है सॉल्यूशन को की पॉलिसी को लेकर आने की फॉर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19. अगर यहाँ पर स्ट्रेटेजी लाइक एक होम राशन वाला मिड डे मील सर्विसेज जिससे क्या है सर्विसेज प्रोवाइड होती रहे वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को जहाँ पर उनको खाने की प्रॉब्लम हो रही है अर्बन एरियाज़ में या फिर रूरल एरियाज़ में. तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लेकर आई थी, इम्प्लीमेंट हुई थी सो दैट दे रीच द लास्ट चाइल्ड. ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स आपने देखे COVID-19 की सिचुएशन के रिगार्डिंग भी. तो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूजन आपने पहले भी देखा था तो न्यूट्रिशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाला टॉपिक भी है. तो ओनली 5 ईयर्स हमारे पास अब लेफ्ट है टू मीट 2025 आने में से 5 ईयर्स क्या आप तो 4 ईयर्स 21 तो चल ही रहा है जिसमें ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को हम अचीव करना है. टाइम हमारा निकला जा रहा है और फोकस जो है इन सब चीज़ों से मतलब उसका वहाँ पर अब काम होना चाहिए. हमारा फोकस किस पर होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम हम आउटकट मिले, हम जो हमारे टारगेट हैं उसको अचीव कर पाएँ. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे देख के हमको काम करना है, COVID-19 सिचुएशन को भी डील करना है, बच्चों को भी सेव करना है और खाने माल न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है, विटामिन उनको देनी है. बट एवरी वन नो सब लोग यहाँ पर मल्टी विटामिन खा रहे हैं क्योंकि सीन ऐसा है आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो बच्चों के ऊपर भी हमको ध्यान देना है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर एग्जाम में लिखने हैं. तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय माल न्यूट्रिशन, या तो आपका 3 मार्क्स में आएगा ये या फिर आपके 5 मार्क्स में आ सकता है व्हाट इज माल न्यूट्रिशन एंड राइट सम कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन. ठीक है, या फिर आपका डायलॉग है राइट अप सम शॉर्ट नोट्स अबाउट द माल न्यूट्रिशन, थर्ड क्वेश्चन है. तो आपको पूरा वहाँ पे 200 वर्ड्स में लिखना है. देन द How to deal a malnutrition in the scenario of COVID-19? This is your fourth question, जो आपको लोगों को प्रैक्टिस करनी है.
और अगर अभी तक आप लोगों ने रक्षा अकेडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है देन जाइए प्ले स्टोर में, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर ऑलरेडी 250 प्लस वीडियोज़ है रिगार्डिंग द प्री एंड 110 टेस्ट सीरीज हैं और मेंस के लेक्चर्स भी डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। तो वहाँ से आप इन सब चीज़ों की बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर बेनिफिट अवेल करना है तो आप मेरा वहाँ पर प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ RA योशिका। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट लगे तो प्लीज आप रक्षा अकेडमी के जो इंग्लिश मीडियम वाला ग्रुप है वहाँ पे मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, और प्लीज अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छा बोलिए और अच्छा पढ़िए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन।